हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो थंबनेल टाइटल आपने देख लिया है कि इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग या रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए, एंड ये वीडियो जो आ रहा है थोड़ा लेट आ रहा है इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम अपडेट दिया था कि मैं कल ही वीडियो डाल दूंगा जब मेरे पास ये डिलीवर हो गया था, बट कुछ ऐसा शेड्यूल था, कहीं जाना था तो मैं बना नहीं पाया वीडियो, तो वीडियो आया नहीं। सो आज आ रहा है ये वीडियो, आप देख लेना। सैमसंग टैब S6 लाइट मैंने खरीदा है और आज आप उसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन इस वीडियो में देखने वाले हो, और उसका डिटेल्ड रिव्यू मैं लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए कुछ दिनों के बाद। तो इस वीडियो को पूरा एंजॉय करना, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे चैनल का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी तक मैंने इससे कोई महंगा प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग रिव्यू मेरे चैनल पे नहीं किया हुआ है। अगर आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सारी चीजों का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा महंगे महंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए आपको ले जाता हूँ अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन पे। ये रहा बिल, और मैं आपको बिल दिखा देता हूँ फोल्ड करके कि मुझे इसका कितना प्राइस पड़ा है। अभी फ्लिपकार्ट पे सेल आया हुआ है जैसा आपको पता है, तो मैंने उसी सेल में लिया है। 21,999 का पड़ा, यानी कि 22,000 रुपए का बिकता है ऐसे ही 24-25,000 का, बट कार्ड डिस्काउंट लगा करके मुझे 3,000 ऑफ में मिल गया था, तो काफी अच्छे डील में मिल गया। सैमसंग टैब S6 लाइट, और क्या बॉक्स है यार, अमेजिंग सा फीलिंग आ रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स कुछ इस टाइप से है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक ऊपर आपको सील मिल जाएगा, एक नीचे मिल जाएगा। मुझे लगा था इसके ऊपर से एक प्लास्टिक का रैप भी रहेगा, बट वो है नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सील लगा हुआ है तो अच्छी बात है उससे। सो यहाँ पे कुछ कुछ इसके नेट कंटेंट्स क्या क्या मिल जाएंगे, और ओवरऑल प्राइस लिखा हुआ है 30,999, बट इतने का नहीं पड़ा है, 22,000 रुपए पड़ा है। बाकी आप साइड से देख सकते हो 64GB रैम है इसमें, और 4GB का रैम मिल जाएगा आपको इसके साथ। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और चलिए अंदर मैं आपको काट करके दिखाता हूँ। ये ग्रे कलर का मैंने ऑर्डर किया था, तो काट लेते हैं, और ये फीलिंग अमेजिंग सा फीलिंग आ रहा है। तो चलिए गाइस, इसके सील को काट लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, किस टाइप से आया हुआ हमारा सैमसंग गैलेक्सी S6 टैब लाइट। 3, 2, 1, ओ माय गॉड, सैमसंग। अब देख सकते हो ये रहा हमारा टैब, और काफी बड़ा है, 10.4 इंचेस का है। इसके आपको एक से एक अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली इस चैनल पे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अभी धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं इस टैब के ऊपर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसे फिलहाल रखते हैं साइड में और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाता है। देख सकते हो एक सैमसंग का यहाँ पे, जिसमें आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, और देख लेते हैं क्या है। तो इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी, तो इनको करते हैं साइड में फिलहाल। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा एक, आपको इसके साथ कौन सा चार्जर है देख लेते हैं, टाइप सी आया है कि माइक्रो USB, तो देख लेते हैं गाइस। और आप देख सकते हो अच्छी बात है कि इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाता है, 18W का चार्जर होना चाहिए इसके साथ। चार्जर की आउटपुट और रेटिंग भी देख लेते हैं। सो गाइस, ये रहा, देख सकते हो आप, इसके साथ आपको सैमसंग का स्टैंडर्ड चार्जर मिल जाएगा, तो मतलब चार्जिंग स्पीड जो है वो नॉर्मल सी होने वाली है, कोई बात नहीं। बाकी आप देख सकते हो बॉक्स कंटेंट खाली, और अच्छा, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये बॉक्स के नीचे जाके छुपा हुआ था। और इसके अंदर आपको मिल जाएगा सैमसंग का एस पेन, इसे रखते हैं फिलहाल साइड में, और आ जाते हैं हमारे टैब पे। और गाइज, काफी अच्छा सा फीलिंग है, काफी मस्त लग रहा है, हैवी है। सो चलिए इसे निकाल लेते हैं, फाड़ के देखते हैं निकाल करके। ओहो, ये फीलिंग भाई अमेजिंग। तो ये रहा गाइज हमारा सैमसंग का S6 Lite टैबलेट, काफी बड़ा और काफी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कैमरा, यहाँ पे है बैक कैमरा, रियर कैमरा सैमसंग का, यहाँ पे ब्रांडिंग है साउंड बाई AKG, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इसके वारंटी क्लेम करने के लिए। और काफी बड़ा है, मैं बहुत मुश्किल से एक हाथ में इसे पकड़ पा रहा हूँ, और काफी प्रीमियम सा फिनिश है, और ठंडा, बहुत ही ठंडा लग रहा है पीछे, क्योंकि इसका बैक में आपको एल्युमिनियम बॉडी मिल जाता है। ऊपर में आपको एंटीना दिख जाएगा, नीचे आपको एंटीना बार्स मिल जाएंगे। और ये मैंने लिया है, वाईफाई वेरिएंट है ये, सिम कार्ड वेरिएंट नहीं है, क्योंकि मेरे नीड्स हिसाब से मुझे वाईफाई वेरिएंट काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगा, प्राइस भी और फीचर्स भी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे साइड में, और ऊपर आपको पावर अनलॉक का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा आपको। नीचे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा। इसके साथ डुअल स्पीकर आते हैं, तो आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको दो स्पीकर्स की प्लेस मिल जाएगी। टॉप पे आप देख सकते हो हेडफोन जैक का प्लेसमेंट है, और काफी अच्छी जगह पे है बीच पे, तो आपको पकड़ के यूज करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। साइड में भी आपको माइक मिल जाएगा, तो आपको इस टैब पे दो माइक्स मिल जाएंगे, एक टॉप पे एक राइट साइड पे, और इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ है, बट ये जो फीलिंग है ना, तो चलिए इसे बूट करते हैं, और तब तक मैं आपको दिखाता हूं एस पेन के बारे में। तो इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे ऑन होने में। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट पावर्ड बाई एंड्रॉइड, इसे रखते हैं फिलहाल साइड में, और आ जाते हैं हमारे एस पेन पे। वाओ, सो गाइस ये रहा, देखो
काफी प्रीमियम सा लग रहा है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको इससे अच्छा टैबलेट नहीं मिलने वाला है। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ये वाला टैब लिया है, क्योंकि बाकी आपको जो मिलते हैं 20,000 के अंदर रियलमी के और बहुत सारे टैब्स है लेनोवो के हैं, बट वो सेटिस्फेक्टरी नहीं है, आपका काम उतने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं कर पाता है। बट ये सैमसंग टैब आपको अपना प्राइस जो आप पे कर रहे हो उस हिसाब से पूरा पैसा वसूल चीज है। इसमें आप काफी चीजें कर सकते हो जो मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाते जाऊंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये मैग्नेटिक है और यहाँ आपको एक बटन मिल जाएगा, इससे आप क्लिक भी कर सकते हो। तो ये रहा गाइस, काफी जल्दी हमारा टैबलेट जो है बूट हो चुका है। तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश कर लेते हैं ओके। और काफी बड़ा सा टैब है, बेजल्स जो है वो भी काफी मिनिमल है साइड में, तो आपको पकड़ने में भी काफी आसानी होगी, ऐसा नहीं कि आपका स्क्रीन में बार बार टच होगा, और दिखने में भी काफी स्लीक एंड प्रीमियम टैबलेट है ये। तो चलिए इसे ऑन होने देते हैं, टैबलेट रेडी होने देते हैं। एक बार ये पूरा फिनिश हो जाता है सेटअप, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अंदर में क्या क्या फीचर्स मिल जाती है। सो गाइज, ये रहा हमारा टैबलेट बूट हो चुका है, और करीब 4 से 5 मिनट लगा इससे बूट करने में, सारा सेटिंग्स करने में लॉग इन वॉग इन कर लेने के बाद। एंड देख सकते हो 10.4 इंचेस का डिस्प्ले। चलिए मैं आपको इसको फुल ब्राइटनेस पे करके दिखाता हूँ। सो गाइज, डिस्प्ले में चला जाऊंगा, मैं आपको ब्राइटनेस इसका फुल करके दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आई प्रोटेक्शन का भी आपको ऑप्शन मिलता है, मैं आपको थोड़ा लो करके दिखाता हूँ। ये रहा, तो अगर आप रात में इसमें पढ़ाई कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, आप इसमें नेट सर्फ कर रहे हो, तो आंखों पे जो रेस पड़ता है ना, वो थोड़ा मतलब वार्म टाइप से हो जाता है, तो आपके आंख को काफी ज्यादा कंफर्ट मिलता है, और आपके आंख आपके आईज जो है वो पेन नहीं करते लॉन्ग यूजेस के बाद भी। फुल ब्राइटनेस करूंगा तो आप तो स्क्रीन में देख ही नहीं पाओगे, काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिल जाएगा आपको। व्यूइंग एंगल जो है वो भी काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल, तो आप देख सकते हो हर साइड से। इसके कैमरा की बात कर ले तो आपको इसमें फ्रंट में मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जिससे आप वीडियो कॉल्स ये सब अटेंड कर पाओगे, और आपको बैक में मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जिससे आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ये सब फोटो क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, इसका मैं आपको इनडेप्थ रिव्यू बाद में दे दूंगा एक अलग से बना करके, इसका गेमिंग रिव्यू, इसके कैमरा क्वालिटी का रिव्यू, हर चीज मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियोस पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग अभी आप देख रहे हो और काफी अच्छा लग रहा है, तो चलिए मैं आपको YouTube से कुछ यहाँ पे आपको चला करके दिखा देता हूँ फिलहाल। चलो मेरा ही वीडियो आपको दिखाता हूँ चला करके, और साउंड की भी आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। इसके साथ आपको साउंड काफी अच्छा मिलेगा, मतलब डुअल स्पीकर्स हैं। कैसे हैं आप लोग? कुछ दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम देख सकते हो, व्यूइंग एंगल भी काफी सही सा लग रहा है मुझे, तो कहीं से भी ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे देखने में दिक्कत हो रही है, काफी अच्छा है। पूछना है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। तो ये रहा, आप इसमें बस इंसर्ट करके क्लिक करोगे तो ये निकल चुका है, और आप देख सकते हो इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसके सिम वाली वेरिएंट लोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक साइड माइक्रो एसडी कार्ड और दूसरे साइड सिम कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये वाईफाई वेरिएंट है, तो इसमें आपको बस एक्सपेंड कर सकते हो आप इसके मेमोरी को माइक्रो एसडी कार्ड लगा करके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, इसका डिटेल्ड रिव्यू आपको आगे मिल जाएगा, तो डिटेल्ड रिव्यू देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस टैबलेट के मैं अमेजिंग वीडियोस आपको दिखाने वाला हूँ, गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू, इनडेप्थ रिव्यू, उसके बाद आपको इसमें ड्राइंग करके भी दिखाऊंगा, टाइपिंग के लिए कैसा है, एस पेन का कैसे आप यूज कर सकते हो मल्टीपर्पज, दिस टैब वर्सेस आईपैड, हर चीज आपको मिलने वाला है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आया है तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, पहला ही लिंक जाके परचेज कर सकते हो। काफी अमेजिंग एंड सुपर टैब है प्राइस के अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाल वाले बटन को जरूर दबा देना, और बगल में एक घंटा का आइकन है ना, जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।